एक समय की बात है, बिरजू अपने गरीब परिवार के साथ एक किराए के मकान में रहता था, जिसमें उसकी पत्नी विमला और उसकी 5 साल की एक छोटी बच्ची और उसकी माँ उसके साथ रहती थी। बिरजू अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी वह अकेले ही संभाला करता था, इसलिए बिरजू अपने खेतों में फल और सब्जी उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। इसी तरह उस परिवार की जिंदगी चल रही होती है। तभी एक दिन बिरजू अपने पत्नी से कहता है, विमला, मुझे लगता है इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। मुझे लगता है इस सड़ी गर्मी की वजह से मेरी कुछ फसल न मुरझा जाए, इसलिए मैं फिर से खेतों पर जा रहा हूँ। तुम घर पर मेरी बच्ची काजल और मेरी माँ का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप जाइए, और हाँ, पानी की बोतल अपने साथ जरूर ले जाइएगा, नहीं तो आपको जब प्यास लगेगी तो नदी के पास पानी भरने जाना पड़ेगा। इतना कहकर बिरजू जैसे ही अपने घर से निकलने वाला होता है, तभी उसके सामने उस घर का मकान मालिक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मकान मालिक को देखकर बिरजू कहता है, अरे मालिक, आप यहाँ कैसे? हाँ बिरजू, क्योंकि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात है मालिक, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं बिरजू, वैसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं तुझे ये कहने आया था कि आज तुम अपने परिवार के साथ मेरा ये घर खाली कर देना। अरे अरे मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे अचानक घर खाली करने को कैसे कह सकते हैं? अरे हम तो आपके घरों में कितने सालों से रह रहे हैं। हाँ मालिक, मैंने तो सूखी रोटी खाकर भी आपका किराया टाइम से दिया है, तो फिर आप अचानक मुझे घर खाली कर यहाँ से जाने के लिए क्यों कर रहे हैं? हाँ बिरजू, मैं तो तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा बेटा कल विदेश से आ रहा है और वो इस घर को तुड़वाकर इस पर एक 5-स्टार होटल बनाना चाहता है, इसलिए तुम लोगों को ये घर आज ही खाली करके जाना होगा। इतना कहकर घर का मकान मालिक वहाँ से चला जाता है, लेकिन मकान मालिक को जाते ही बिरजू के परिवार के पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उसी समय कौशल्या कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा, और ये अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हैं? जब मन चाहा किसी गरीब परिवार को अपने घर में रख लो, और जब भी मन करे उस गरीब परिवार को घर से भगा दो। अरे इन लोगों को क्या गरीबों पर भी जरा सा तरस नहीं आता है? अरे माँ, अब ये सब कहकर क्या फायदा, अब तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम लोग जाएंगे कहाँ। अरे बिमला, तुम इस घर में जितना भी छोटे सामान है तुम उसको बांध लो, मैं तब तक कहीं घर का इंतजाम करके आता हूँ। जी ठीक है, मैं घर का सारा सामान बांध लूंगी, आप घर का इंतजाम कर जल्दी वापस आइएगा। इतना कहकर बिरजू उस चिलमिलाते हुए धूप में घर खोजने का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे अपने बजट के अनुसार उसे कहीं भी घर नहीं मिलता है। बिरजू दिन भर चिलमिलाते धूप में इधर उधर घूमते रहता है। वहीं रमेश का बेटा बिरजू के परिवार को मार मार कर उस घर से बाहर निकाल देता है। उधर बिरजू का परिवार भी उस कड़े धूप में खड़े होकर बस बिरजू का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी समय कौशल्या कहती है, कितने निर्दयी होते हैं ये लोग, कम से कम मेरे बेटे को तो एक बार आने देते। माँ जी, इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता, बस इस दुनिया में सब अपने लिए जीते हैं। चलिए हम लोग उस पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते हैं, वरना इस धूप में खड़े खड़े तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहकर बिमला अपने सास और अपनी छोटी बेटी काजल के साथ उस पेड़ के पास बैठने चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद काजल कहती है, माँ, हम लोग घर छोड़कर बाहर क्यों बैठे हैं? मुझे बहुत धूप लग रही है और जोरों की प्यास भी लगी है। बस कुछ देर चुप हो जा मेरी बच्ची, जैसे ही तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे वैसे मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम कर दूंगी। अरे बहू, तू परेशान मत हो, तू काजल को लेकर यहीं बैठ, मैं कहीं से पानी का इंतजाम करके आती हूँ। इतना कहते हुए कौशल्या कहीं से पानी ढूंढ कर लाती है। कौशल्या काजल को पानी पिला देती है और काजल वहीं अपनी माँ की गोद में सो जाती है। बिरजू जब कुछ देर बाद वापस आता है तो अपने परिवार को पेड़ के नीचे बैठा देख अपने परिवार से कहता है, अरे माँ, तुम काजल और बिमला को लेकर इस तरह पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? तब कहाँ जा बेटा, उस निर्दयी रमेश के बेटे ने मुझे और तुम्हारी पत्नी को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं पेड़ के नीचे बैठकर बस तुम्हारा ही राह देख रहे थे। जी माँ जी, बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए अब आप ही बताइए कि हमारे बजट के अनुसार कहीं पर भी घर मिला क्या? नहीं बिमला, मैंने इस पूरे गांव में किराए का घर ढूंढा लेकिन नहीं मिला, और जो भी मिला वो सब हम लोगों के बजट से बहुत ज्यादा ऊपर था, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। सुनिए जी, आप चिंता न करें, ये सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, जब तक हम लोगों को कहीं दूसरी जगह पर घर नहीं मिल जाए।
जाता तब तक हम लोग अपने खेत पर जाकर रह लेंगे। वैसे भी इस तरह पेड़ के नीचे रहने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इतना कहकर विमला अपने पूरे परिवार के साथ अपने खेतों पर चली। बिरजू ने अपने खेतों पर फूल गोभी और टमाटर की खेती की हुई होती है, लेकिन कड़ी धूप पड़ने की वजह से वो सारी सब्जियां भी मुरझा जाती है। लेकिन बिरजू उस खेतों के बीचों बीच एक छोटा सा तम्बू डालकर अपने परिवार के साथ रहने का उपाय ढूंढने लगता है। चलो अब हम लोग इस छोटे से तम्बू में रात गुजार तो सकते हैं। पिताजी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे माफ करना मेरी बच्ची, लेकिन तुझे खिलाने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज रात हम लोगों को पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। सुबह होते ही मैं तुम लोगों के लिए खाने का कहीं ना कहीं से इंतजाम पक्का कर दूंगा। इतना कहकर वो सभी परिवार पानी पीकर ही पूरी रात गुजार देता है। अगली सुबह होते ही बिरजू अपने खेतों से कुछ हरी भरी सब्जी लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। उसी समय कौशल्या कहती है, अरे बहू, कल से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। बहू तू ऐसा कर, पास वाले नदी से मटके में पानी भर कर ला, मैं अपना भूख पानी पीकर ही मिटा लूंगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी पानी लाती हूँ। इतना सुनते ही बिमला मटका लेकर नदी में पानी भरने के लिए चली जाती है। नदी में पानी भरने के बाद बिमला आँख में आंसू लिए हुए कहती है, इस दुनिया में एक नदी ही है जो हमारे भूख मिटा सकती है और इसके बदले पैसे भी नहीं मांगती है। शायद इसे ही कुदरत का करिश्मा कहते हैं। लेकिन पता नहीं हम गरीबों के जिंदगी में कब ऐसा कुदरत का करिश्मा होगा। आज मेरा पूरा परिवार घर से बेघर हो गया है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इतना कहकर बिमला जोर जोर से रोने लगती है। जैसे ही बिमला के आंसू उस नदी में गिरती है, वैसे ही उस नदी से एक देवी माँ प्रकट होती है। देवी माँ उस बिमला से कहती है, घबराओ मत बिमला, मेरा नाम गंगा है और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस समय तुम्हारा परिवार पूरी तरह से संकट से घिरा हुआ है। इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस पानी को ले जाकर अपने खेतों में जैसे ही छींटोगी तो सारी मरी हुई फल एकदम ताजी और जादुई फल में बदल जाएगी, और फिर तुम जादुई सब्जी से जो भी इच्छा मांगोगी वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगी। इतना कहकर वो देवी वहाँ से गायब हो जाती है। बिमला उस देवी माँ के कहे अनुसार नदी से पानी ले जाकर अपने खेतों में डाल देती है। बिमला जैसे ही अपने खेत में पानी डालती है तो उसके खेत में लगी हरी सब्जी और टमाटर एकदम से चमकने लगता है। ये देखकर कौशल्या कहती है, अरे वाह बहू, तुम्हारे पानी डालते ही ये सब्जी तो हरी भरी और ताजी सब्जी तुरंत बड़ी हो गई। भला ऐसी कौन सी नदी का पानी डाल दिया है तूने? बस माँ जी, इसे तो गंगा मैया का चमत्कार ही समझ लीजिए। चमत्कार? ये कैसा चमत्कार बिमला, मुझे भी बताओ जरा। बिमला उस देवी माँ के बारे में सारी बात अपने परिवार को बता देती है। ये सब सुनने के बाद बिरजू कहता है, बिमला, उस देवी की वजह से हमारी फसल तो हरी हरी और बड़ी हो गई है, लेकिन हमारे पास रहने का अभी तो कोई भी ठिकाना नहीं है और कुछ समय बाद तो बरसात का मौसम भी आने वाला है, फिर हम लोग क्या करेंगे? बिरजू के इतना कहते ही आपस में गोभी और टमाटर जुड़ने लगते हैं, और देखते ही देखते कुछ समय में गोभी और टमाटर का एक सुंदर सा बड़ा घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर बिमला का पूरा परिवार हैरान हो जाता है। तभी ये सब देखकर बिमला कहती है, अरे ये कैसा सब्जियों का घर है? बिमला के इतना कहते ही उस जादुई सब्जी के घर से एक आवाज आती है, ये तुम्हारे डाले हुए पानी की वजह से ये तुम्हारा एक जादुई घर है और ये घर अब से तुम्हारा है और इस घर के अंदर तुम्हें कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी और तुम लोग अपने आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। जादुई घर से इतना सुनते ही बिमला का पूरा परिवार खुशी के मारे झूम उठता है। बिमला जैसे ही उस घर के अंदर जाती है तो अंदर में देखती है कि उसके जरूरत का हर एक सामान पहले से ही मौजूद है और वो सारी चीजें भी टमाटर और गोभी से ही बनी हुई होती है, जिसे देखकर बिरजू का पूरा परिवार हैरान हो जाता है। अरे बहू, ये महल जैसा घर तो बहुत सुंदर और अनोखा है, परंतु इस घर की हर एक चीज तो गोभी और टमाटर से बनी हुई है। माँ जी आपने ठीक कहा, उस देवी माँ की वजह से हम लोग अपने बची हुई जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। इतना कहकर विमला मन ही मन उस देवी माँ का धन्यवाद करती है। इनके बाद वो अपना पूरा परिवार के साथ सुकून से उस टमाटर और गोभी के घर में रहने लगती है। अब उसके जिंदगी में किसी तरह की कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होती है। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो भी